to A Plus Morning and I hope and I wish that you have an A Plus Morning today. हमारे साथ पहली गेस्ट मौजूद हैं, दूसरे गेस्ट अभी रास्ते में मैं कह लिखती रास्ते में. अच्छा पहली गेस्ट जो हमारे साथ है इस वक्त उनका नाम है जो मैं आपको ब्रेक से पहले बता चुकी हूँ, आशिया खान. बहुत ही खूबसूरत किस्म की सिंगर हैं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी लग रही हैं. 6-7 साल हो गए इनको सिंगिंग करते हुए, अभी बाहर US के टूर से फ्रेश वापस आई हैं इसीलिए इतनी फ्रेश लग रही हैं. हाँ और A Plus के साथ इन्होंने बहुत सारा काम किया. A Plus इनके साथ ना घर की बात हो गई जैसे. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. A Plus मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. क्या हाल? कैसी आप? ठीक फिट फाट बड़ी अच्छी लग रही है माशाल्लाह. थैंक यू सो मच. नींद आई भी है बड़ी सर. नींद में हसीन लगा करती है. नींद में फिर आप काफी हसीन लगती हैं, लेकिन औरतों का ये भी बड़ा फायदा होता है, मेकअप कर लेती हैं तो पता नहीं चलता कि क्या है. वो उमर शरीफ साहब कहते हैं ना कि जब वो असल में जब लड़की औरतों ने इतना मेकअप किया होता है कि जब बारिश होती है तो उसके बाद उनका बच्चा अब भी नहीं पहचानता उनको, मेरी अम्मी कहाँ है. अच्छा उमर शरीफ का इसी टॉपिक पे एक और बड़ा मशहूर जोक है कि वो कहते हैं कि मौत का फरिश्ता आया ना एक किसी की लिखी हुई थी, तो वो रोज जाए रात को तो वो वापस आ जाए, रोज जाए रात को वापस आ जाए. तो अल्लाह ने पूछा कि भाई क्या ड्रामा है, कब से मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया हुआ तुमने. तो पता चला कि वो मेकअप उतार के सोती थी तो पहचान ही नहीं रहा था उसको, लग रहा था कि मैं फायदा हो गया, फायदा हो गया, फायदा हो गया. तो फायदा हो गया. क्या हाल चाल है जी? बिल्कुल ठीक ठाक. कैसा रहा अमेरिका का टूर? पहले तो हमें बताएं. माशाल्लाह बहुत अच्छा. कहाँ कहाँ किन किन स्टेट्स में गई? अमेरिका में हमने 6 स्टेट्स में शोज किए. अच्छा. और लॉस वेगस में पहला शो था हमारा. वाह. वेगस के अंदर. और उसके बाद सिनसिनाटी में, शिकागो में, अब काफी स्टेट्स में था. अच्छा रहा माशाल्लाह. गुड, चलिए वेरी नाइस. और मेरे ख्याल कुछ स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं जुनैद. क्या आपने स्टार्ट कैसे किया, आपने सिंगिंग करियर का आगाज कहाँ से, आपको ख्याल आया क्या बचपन से जरा सीम थे या नहीं? वैसे आई बिलोंग टू म्यूजिकल फैमिली, हमारी फैमिली सारी म्यूजिक से बिलोंग करती है. तो बस गाने का शौक था, सुनना आता था और गाना गाने के लिए. बड़ी अच्छी बात की है ना, गाना गाने के लिए आपके कान बहुत अच्छे होने चाहिए, सुनना वाकई आना चाहिए, इसलिए मुझे शौक भी था. अच्छा. तो शुरुआत कब की आशिया? मुझे मेहनत करते हुए बताऊं सच्ची बात, मुझे मेहनत करते हुए 8-10 साल हो गए. अच्छा. और अल्लाह का शुक्र है कि जितनी मेहनत मैंने की है वो भी खुद से की है, तो उसका रिजल्ट ये है कि मैं एक अच्छा सेलेक्टेड काम कर रही हूँ. बहुत ज्यादा नहीं कर रही हूँ लेकिन सेलेक्टेड कर रही हूँ. लेकिन ये आपने अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट किया, आपकी म्यूजिकल फैमिली है, क्या वो आपको सपोर्ट नहीं करते जो आपने खुद से मेहनत करती हैं? हाँ बिल्कुल, ये आपने अच्छे सवाल किए. जुनैद आपको पता है कि एक सिंगर के लिए मेरे ख्याल से जितनी खुद अच्छी वो मेहनत कर सकता है. हाँ वो कर तो सकता है लेकिन बताने वाला जरूरी होना चाहिए. बताने वाला है वो, एक अल्लाह का शुक्र है कि एक फैमिली में एक चीज मिली हुई है, तो उसकी बस सपोर्ट ये है कि फैमिली में एक चीज मिली हुई है, गाना. और बाकी उन्होंने कहा कि जी आप खुद जिसने गाने, वैसे तो लड़कियों का थोड़ा नहीं होता, लेकिन ये है कि मैंने अपनी फैमिली में स्टार्ट किया और बस यही सपोर्ट है उनकी कि उन्होंने इजाजत दी गाने के लिए. तो बस मेहनत कर रही हूँ मैं खुद. हाँ. और उसकी ये है कि बस सेलेक्टेड काम कर रही हूँ. अच्छा माशाल्लाह. तो आप शागिर्द नहीं है किसी की? उनका स्कोप ना खुल जाए ना कि वो आपको ले ले अपनी शक्ल. नहीं, वो आप तो खुद माशाल्लाह इतना अच्छा गाते हैं. ये तो मैं ऑन एयर बैठ के कह रही हूँ कि जुनैद आपका बैंड, आपके गाने बड़े अच्छे हैं. हम कोशिश कर रहे हैं, बाकी गेस्ट आप आई हुई आज. नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम आपकी तारीफ भी कर सकते हैं. तो और बताएं क्या चल रहा है, कोई नई एल्बम और वीडियो? एल्बम किया मैंने नया और वीडियो किया है. और इंशाल्लाह बस ये बस मुहर्रम आगे, मैं मेरा टूर था इसलिए लेट हो गया. हाँ. तो बाकी कंप्लीट है, अभी रिलीज हो जाएगा ये मुहर्रम सफर के बाद. एल्बम या वो जो वीडियो है? वीडियो तो भी हो जाएगा रिलीज इंशाल्लाह, ऑन एयर हो जाएगा. वीडियो के साथ ही एल्बम रिलीज कर रही हैं जी. तो वो कौन सा गाना है, थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं क्योंकि मुझे पता है कि आप ब्रेक के बाद ही गुनगुनाएंगी. सुनाऊंगी, बिल्कुल सुनाऊंगी. हाँ ना, सुनेंगे हम आपसे. तो क्या गाना क्या है और उसके पीछे वीडियो में क्या कॉन्सेप्ट है जो चल रहा है? गाना है पंजाबी, उर्दू पंजाबी मिक्स जो ट्रेंड चल रहा है आपको पता है. वो जो हिप से गाने होते हैं? नहीं वो सॉफ्ट है. सॉफ्ट है. हाँ जी. और उसका म्यूजिक किया है अली मुस्तफा जो है, डीजे अली मुस्तफा, उन्होंने किया है. और बड़ा वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोड्यूसर्स. और मेरा वीडियो किया है जोवी ने. जोवी माशाल्लाह डायरेक्टर है. बड़ा अच्छा एक मुझे टीम वर्क मिला है तो उसके साथ काम किया, तो मैं डेफिनेटली गाना भी सुनाऊंगा. हां बिल्कुल ठीक है. लेकिन ये सुबह सुबह जो इम्तिहान होता है ना सिंगर का. हां वही मैं पूछने लगा था, क्या आप सुबह उठना पसंद करती हैं? बिल्कुल नहीं. नहीं नहीं मैं यहां एक खास क्योंकि अक्सर स्टाइल में ना हां हसीन है, उठना सुबह पसंद करती हूं.
हसीन है, ज़हीन है। मुझे समझ लगी। नहीं तो अक्सर क्योंकि सिंगर्स जो हैं वो सुबह सुबह उठ के बड़ा कोई रियाज वगैरह करते हैं, थिंग्स लाइक दैट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आजकल मॉडर्न सिंगर है वो लेट उठते हैं। सुबह सुबह नहीं उठा जाता। वो खान साहब लोग थे, मतलब हैं अभी भी खान साहब लोग जो हैं जो सुबह सुबह उठ के करते हैं प्रैक्टिस, तो हम सुबह सुबह मैं नहीं उठती। अच्छा, क्योंकि मैंने कहा बेस्ट है ना, आप सुबह सुबह बाय डिफॉल्ट उठ रहे हैं, तो आप जो सिंगर्स की कॉम है सारी वही मॉर्निंग शो होस्ट बन जाएं, तो मॉर्निंग शो होस्ट को सुबह सुबह नहीं उठना पड़ेगा। नहीं, जहां सिंगर ने उठना हो टाइम से वहां उठ भी जाते हैं। हाँ। ये हाँ यूजुअली, लेकिन यूजुअली होता क्या है सिंगर्स के साथ कि रात को लेट शोज खत्म होते हैं, तो फिर सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, ऐसे ही है अशिया? बिल्कुल तो ऐसे ही है, बाजा फरमाया आपने मुन्ने। अच्छा, सिंगर मुन्ना ना, इसलिए बाजा फरमाता रहता है। हम अपने जोक पे खुद ही हंसते रहते हैं जी। अच्छा, ये मैं याद करा दूं सबको कि आज भी लाइव कॉल इन डे है। ब्रेक पे तो मैं जा रही हूँ, मगर फोन्स आपने करने, और सिद्रा कहाँ हो सहेली याद आ रही हो? बताओ, हमें नाश्ता भेजो सिद्रा, तो कॉल करें हमें, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, अभी वापस आते हैं। ए प्लस मॉर्निंग।